नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 मार्च के मेन हाइलाइट्स, सो दैट आपको करंट अफेयर्स कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है वीडियो को देख लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो नोट्स मैं बनाता हूँ मंथ एंड में, जो लास्ट डे होगा उसी दिन मैं टेलीग्राम में दे देता हूँ, तो ज़रूर आप देख लीजिए। अगर और एक क्या है, आपको टेलीग्राम में जाना है, दीक्षा रिसेंट टाइप करना है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग चलो मैं आज जो है मेन हाइलाइट्स है वो देख लेते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जिनका नाम है सुविधा, इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन, और इसका दाम रखा गया 2.5 रुपया, जो मिलेगा आपको प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि सेंटर्स जो है वहाँ पे। ये पैड जो है स्वच्छता स्वास्थ्य एंड सुविधा जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2, हरियाणा का फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में जो है खुल चुका है, ठीक है। अच्छा, दीव, दमन एंड दीव जो है हम लोग का यूनियन एंड टेरिटरी, उसमें दीव जो है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन चुका है 100% पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब आप पूरा जो दीव है उसमें पूरा कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ होता है, ओनली सोलर पावर। आप सोच रहे हो इससे पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ेगा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो पूरा इंडिया में ये अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4 में, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन मुख्यमंत्री महिला कोष स्कीम लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, द वुमेन जिनका शादी नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुआ है एंड 50 ईयर्स के ऊपर है, 50 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उनको जो है पेंशन मिलेगा, ठीक है। कौन किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2018 में मुंबई को 16 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बताया गया है। ये इंडेक्स जो है ड्रॉ किया जाता है, 4 मेजर इंडिकेटर्स है, उसमें पहला है वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल एंड फ्यूचर। टॉप 3 वेल्थ सिटीज अगर आप देखो तो दैट इज वंगजो, हांगकॉन्ग एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 6 में, जिसमें बताया गया है इन अनदर फर्स्ट फॉर वुमेन, 25 की उम्र की प्रकृति ने फर्स्ट डायरेक्ट एंट्री जो है ऑफिसर बनी है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में। पहली लड़की जो है प्रकृत है वो डायरेक्ट एंट्री मिला है कॉम्बैट ऑफिसर में ITBP, ये पहली बार ITBP में हुआ है। ITBP इज द लास्ट ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स टू इंडक्ट वुमेन ऑफिसर, ये एकदम लास्ट है जो ITBP है, सबसे लास्ट जो है एक महिला को लिया गया है इंडक्ट एज अ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंस चार्ल्स अपॉइंट किए गए इंडिया ओरिजिन संजीव गुप्ता को एज UK स्किल्स एम्बेसडर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन संजीव गुप्ता। RBI ने 40 लाख का पेनल्टी दावी किया है SBI का फॉर फ्लाउटिंग फेक नोट नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स है फेक नोट का उसको वायलेट करने के लिए 40 लाख का RBI ने SBI के ऊपर जो है पेनल्टी इम्पोज किया है। सेंट्रल बैंकिंग 5th एनुअल अवार्ड्स में कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कम्युनिटी के लिए, जो मॉनिटरी एकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट है, रैपिड इनोवेशन, पॉलिटिकल चेंज एंड ग्लोबल अनसर्टिनिटी के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। इसमें बैंक ऑफ कनाडा को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इमर्ज एज बीकन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मच ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड को मिला है, रिजर्व मैनेजर ऑफ द ईयर के लिए बैंक ऑफ कोरिया, बैंक नोट एंड करेंसी मैनेजर ऑफ द ईयर के लिए नॉर्गस बैंक। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, जरूर कर लेना। इंडियन शूटर अंजुम मौदगिल ने सिल्वर मेडल मिला है 50 मीटर राइफल 3 पिस्टन्स इवेंट में, ISSIF वर्ल्ड कप जो चल रहा है मेक्सिको उसमें, और ये अंजुम का फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल है। और फॉर्मर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन चाइना का रुइजाओ पी ने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। और वेटरन सूफी सिंगर जो थे प्यारेलाल वदाली जी, जो वदाली घराने से हैं, उनका देहांत हो गया है। तो देखो, छोटे छोटे पॉइंट से ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप डेली का सुन लो, आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना गाइज, आप जो है इसको सुन लो और इसका PDF मैं मंथ एंड में दे दूंगा, तो उस बार आप एक बार रिवाइज करना, देखना करंट अफेयर्स आपको इतना अच्छा से हो जाएगा,
तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक हो, रेल हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड रेलवे के लिए खासकर बहुत, एंड बैंक के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं, और कमेंट करके बताओ गाइस आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।